पुलिस कर्मचारी ASI सरूप सिंह डेथ उन्हें डेड बॉडी मिली सी। आंदा है कि लवप्रीत सिंह अपने बयान में लिखाया कि उन्होंने पिता नवा पिंड चौंकी में तैनात सन ते कल शाम अराउंड 8 बजे उन्होंने किसी अणपछाते नंबर तो कॉल आई जिदे नाल उन्हां दी काफ़ी बहसबाजी हुई उस कॉल के उत्ते। उस तो बाद उन्होंने अपने परिवार वालों नूं दस्सिया कि मैं नवा पिंड चौंकी एक पुलिस फाइल देन जा रहा हाँ। यह कह के वह अपनी एक्टिवा के उत्ते घरों चले गए। जदों 9:30 बजे तक वह घर नहीं मुड़े तो उन्हां दी वाइफ ने उन्हां दे नंबर के उत्ते कॉल करके देखा तो उन्हां दा फोन जिहड़ा सीगा उह स्विच ऑफ आ रहा सीगा। तो बाद चौंकी गए तो उन्होंने जाके पता लगा कि सरूप सिंह जी जिहड़े ने चौंकी आए ही नहीं सीगे। असी जिहड़ा दोषी है उन्होंने ट्रेस कर लिया जिहदा कि नाम शरणप्रीत सिंह सन ऑफ गुरदेव सिंह है जो कि दशमेश नगर PS तरसिका का रहने वाला है। दोषी इस टाइम तो घरों फरार है। सामने आई है गल कि उन्होंने परसनल रंजिश ही है। पंजाब पुलिस के ASI मुलाजम के कतल मामले के अमृतसर पुलिस के वलों की गई प्रैस कॉन्फ्रेंस पुलिस अधिकारियों ने कहा कि मुढ़ली जांच के सामने आया कि मामला निजी रंजिश का है तो निजी रंजिश को लैके पंजाब पुलिस के ASI मुलाजम का कतल किया गया। तुहानू दस दें कि अमृतसर तो तुसी सारे ने सवेर तो खबर तो सुनी होगी कि पंजाब पुलिस के ASI सुरूप सिंह का घर तो ड्यूटी जा रहे रास्ते दे विच नौजवानों ने घेर के उसका गोलियां मार के कतल कर दिता सी। हुण इस मामले के अमृतसर पुलिस के वलों प्रैस कॉन्फ्रेंस करके वड्डे खुलासे किए ने ते उन्होंने इस मामले के मुख्य दोषी शरणप्रीत सिंह पुत्र गुरदेव चंद वासी दशमेश नगर नू नामजद किया है। अज सुबह सानू एक इनफॉर्मेशन मिली कि साढ़े नवा पिंड चौंकी दे विच तैनात पुलिस कर्मचारी ASI सरूप सिंह उन्हां दी डैथ उन्हें डेड बॉडी मिली सी। सानू खानकोट की जिहड़ी लिंक रोड है उहदे लागे तुरंत मौके दे उत्ते पहुँचते हुए साढ़े सीनियर ऑफिशियल साढ़े SHO जंडियाला DSP जंडियाला बाकी सीनियर SPD साहब उन्होंने जाके उत्थे मौके का जायजा लिया। तो जो लवप्रीत सिंह पुत्र सरूप सिंह है उन्होंने बयान के उत्ते असी एक FIR दर्ज की FIR नंबर 300 अंडर सैक्शन 302 तो 25 आर्म्स एक्ट। मैं दसना चाहता है कि लवप्रीत सिंह अपने बयान में लिखाया कि उन्होंने पिता नवा पिंड चौंकी में तैनात सन तो कल शाम अराउंड 8 बजे उन्होंने किसी अणपछाते नंबर तो कॉल आई जिदे नाल उन्हां दी काफ़ी बहसबाजी हुई उस कॉल के उत्ते। उस तो बाद उन्होंने अपने परिवार वालों नूं दस्सिया कि मैं नवा पिंड चौंकी एक पुलिस फाइल देन जा रहा हाँ। यह कह के वह अपनी एक्टिवा के उत्ते घरों चले गए। जदों 9:30 बजे तक वह घर नहीं मुड़े तो उन्हां दी वाइफ ने उन्हां दे नंबर के उत्ते कॉल करके देखा तो उन्हां दा फोन जिहड़ा सीगा स्विच ऑफ आ रहा सीगा। जो परिवार ने सारी रात फिर उस तो बाद चौंकी गए तो उन्होंने जाके पता लगा कि सरूप सिंह जी जिहड़े ने चौंकी आए ही नहीं सीगे। हाँ जी सत श्री अकाल जी सारिआं नूं। जीरूप वालों अपना नवा गाना आ गया है टॉक विद गॉड तो सारे जने सुनो बहुत ही वधिया कॉन्सैप्ट आ तो शेयर करो दब के। उन्हां दी भाल इन्होंने रात की तो सुबह जिहड़ी उन्हां दी डेड बॉडी है उन्हां नूं खानकोट की जिहड़ी लिंक रोड है उहदे लागे मिली जिहदे विच उन्हां दे कंध दे लागे गनशॉट इंजरी सी। एक राउंड उन्हां दे फायर होया सी ते उन्हां दे गनशॉट इंजरी सिर दे विच लग्गिया सीगा ते उन्हां दी काफ़ी खून बह जाण दे करके उन्हां दी उत्थे मौत हो चुकी सीगी। जो तुरंत कार्रवाई करदिया होया पुलिस ने FIR रजिस्टर की ह्यूमन इंटैलीजेंस अते टैक्निकल जिहड़ी जिहड़ी साडी सर्वेलेंस है उहदे उत्ते काम करदिया होया असी जिहड़ा दोषी है उहनूं ट्रेस कर लिया जिहदा कि नाम शरणप्रीत सिंह सन ऑफ गुरदेव सिंह है जो कि दशमेश नगर PS तरसिका का रहने वाला है। दोषी इस टाइम तो घरों फरार है। साडियां पुलिस दीयां टीम्स अंडर द सुपरविजन ऑफ SPD साहब SSP साहब ते DSP साहब सारियां उत्थे मौके ते ने ते उन्नू दोषी नू जल्द तो जल्द गिरफ्तार करके तफ्तीश जिहड़ी है अगे वधाई जाएगी। जी इहदे विच मैं दसना चाहवांगा कि उन्हां दा जो प्राइम ऑफिसी सामने आई है गल कि उन्हां दी परसनल रंजिश ही है कोई इहो जी गल नहीं। जो उन्हां दे परिवार वालियां नाल गलबात हुई है काफ़ी फोन दे उत्ते जिहड़ी उस व्यक्ति दे नाल है उस नाल उहदी तिखी बहसबाजी हो रही सी। सो जिथों तक हुण तक दी तफ्तीश हुई है उहदे विच इही है कि उहदी निजी रंजिश उहदे नाल हैगी है जो इहनां दी मौत दा कारण बणिया। हाँ जी दो दिन की छुट्टी ते सीगे जी दिवाली दे करके उहनां सॉफ्टवेयर इंजीनियर सीगा ते बैंगलोर तो इत्थे दिवाली दी छुट्टियां करके आया होया सीगा। सो ये चीज़ है
नहीं हजे तक कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं सामने, पर मैं तुम्हें दसिया कि टैक्निकल सर्वेलेंस करते हुए जो टैक्निकल एविडेंस है उन्होंने कलैक्ट करते हुए असी जो दोषी है उन्होंने आइडेंटीफाई करने में कामयाब हुए हैं तो जल्द तो जल्द गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा जी। एक गोली लगी है तो उतों एक राउंड जोड़ा सानू रिकवर हो 0.32 बोर का 32 बोर का, तो जो दोषी की गिरफ्तारी होंगी है तो इमीजिएटली जो वैपन ऑफ इन्हों का कतल का वैपन हैगा वो भी रिकवर कर लिया जाएगा। नहीं ये उन्हें परिवार ने दसिया कि हाँ जो रात को यह गल कह के घरों निकले है, लेकिन जो उन्होंने बाद में सारी एपीसोड हुई उस टाइम तो उन्होंने भी नहीं सोचा सी कि यहोजी गल हो सकती है, बट जो टोटल जी असी टोटैलिटी के देखिए तो उस फोन कॉल का आना उस तो बाद उन्होंने घरों जाना तो उस तो बाद उन्होंने फोन स्विच ऑफ हो जाना उस करके असी सारी जी कंकलूजन है कि निजी रंजिश के करके ही इन्हों की जी मौत का कारण बन सके। ये FIR नंबर 300 नंबर FIR है, मिति 16/11/2023 अंडर सैक्शन 302 IPC 25 आर्म्स एक्ट PS जंडियाला गुरु। पहले दिन तो हर तरह का नशा बंद, नशा छुड़ाउन च माहिर डॉक्टर गुप्ता 5661-67000 बिना तोड़ तकलीफ तो बिना दाखिल होए बिना काम छड़े हर तरह का नशा छड़ो, शराब हैरोइन स्मैक अफीम गांजा चिट्टा पुक्की टीके गोलियां जीभ थले रखने वाली गोली तो छुटकारा पाओ। साड़ी दवाई 100% आयुर्वैदिक है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, देश विदेश च दवाई भेजण दा खास प्रबंध है, पता आनंद दवाखाना सामने बस स्टैंड पटियाला। डॉक्टर गुप्ता 5661-67000